वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पूछा गया है। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलिवेशन प्लान और साइड व्यू बनाइए। ओके, क्वेश्चन लगभग सबका एक ही जैसा होगा, बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि वो थर्ड एंगल में पूछा गया है या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पूछा गया है। जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जानते हैं कि कहाँ पर क्या बनेगा। जैसे कि एक बार देख लेते हैं, थर्ड एंगल की बात करें, थर्ड एंगल में हम लोग जानते हैं कि जो एक्स वाई लाइन होगा, उसके एक्स वाई लाइन होगा ऊपर जो बनेगा वो हमारा टॉप व्यू बनेगा, और जस्ट टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू बनेगा, और फ्रंट व्यू के राइट साइड में राइट साइड व्यू बनेगा, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड व्यू बनेगा। ठीक है, ये होगा हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रंट व्यू, यहाँ पर लिखा है एफ डॉट बी, इसका मतलब है फ्रंट व्यू। इधर से जो देखेंगे और जो सरफेस हमें दिखाई देगा वो फ्रंट व्यू, और इधर का साइड व्यू, और जो ई एरो दिखाया गया है ये हमारा टॉप व्यू इंडिकेट करता है, ये टॉप व्यू होगा। ओके, आइए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। समझते हैं सबसे पहले फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, फिर साइड व्यू में क्या दिखाई देगा, और फिर टॉप व्यू में क्या दिखाएगा, उसके बाद हम लोग उसको लास्ट में उसको ड्रा करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा। हमने आपके लिए पहले से बना रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और कम टाइम में आप समझ सकें। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू की बात करते हैं कि फ्रंट व्यू में क्या बनने वाला है। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे, फ्रंट व्यू इस साइड से है तो सामने वाली सरफेस, जो भी सामने का सरफेस होगा वही दिखाई देगा, कोई भी दीवार या फिर छत नहीं दिखाई देगा, मतलब कोई भी साइड या फिर टॉप नहीं दिखाई देगा। फ्रंट से केवल फ्रंट का सरफेस ही दिखाई देगा, सामने की दीवार दिखाई देगी। ठीक है, देखते हैं, फ्रंट व्यू से हमें ये वाला सरफेस दिखाई देगा, इसके अलावा ये सरफेस दिखाई देगा, इसके अलावा अंदर वाला ये सरफेस दिखाई देगा, हमें ये या ये छत जो है ऊपर की सरफेस या फिर साइड की सरफेस नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा सामने की ये पूरी सरफेस हमें दिखाई देगी। तो जो सरफेस हमें दिखाई देगी वही हमें बनाना है, वही ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि जो जिस जिस डायमेंशन में दिया गया है उसको उसी डायमेंशन में बनाएंगे हम लोग। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन 12 mm है, और यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन 12 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन 12 mm है, और इसकी हाइट 8 mm है। ठीक है, तो हम लोग लाइन खींचेंगे जो कि 12 mm 12 mm 12 mm की होगी। हम लोग जानते हैं कि हमें ये लाइन भी दिखाई देगी, ये लाइन भी दिखाई देगी, और जो फ्रंट देखेंगे तो ये लाइन भी सामने इसी के बराबर में दिखाई देगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए, हमने जो है पहले 12 mm, फिर 12 mm और फिर 12 mm की एक सीधी रेखा खींच ली है, क्योंकि ये तीनों रेखाएं आपस में फ्रंट से देखने पर सामने दिखाई देंगी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 8 mm है, तो यहाँ से हमने 8 mm लिया है, और फिर से जैसे कि ऊपर की रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ की रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ की रेखा दिखाई दे रही है, इसको इस प्रकार से मिला लिया। ये हमारा इतने का तीन सर्कल को मिला कर बनाया गया है, तो ये हमारे यहाँ पर बन गया है। ठीक है, ये तीनों सर्कल बन गए। अब बचा एक सरफेस जो कि बड़ी वाली सरफेस है, ये जिसकी चौड़ाई हम जानते हैं किसी के बराबर होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मेजर कर लिया है, इसको गाढ़ा कर दिया है, और उसके उसकी ऊंचाई देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 32 mm है। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को 32 mm मापा है, और नीचे से कितनी है, नीचे से 40 है, सॉरी यहाँ पर होगा 32, नीचे से लेंगे तो 40 होगा, तो ये हो गया 32। अब यहाँ से 32 ऊपर और यहाँ से 32 ऊपर ला के आपस में मिला देते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें एक होल है जो आर पार दिखाई दे रहा है, तो उसका सेंटर कहाँ है, उसका सेंटर टॉप से जो है 40 mm नीचे और साइड से 18 mm साइड में है। तो हमने क्या किया है, मिड से 40 mm नीचे है और साइड के मिड से 18 mm इधर आए, सेंटर में आए हैं। तो हमको एक सेंटर मिला है जो कि जहाँ से हमको एक सर्किल बनाना है। सर्किल का रेडियस कितना है वो दे रखा है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 15 mm, उसका जो व्यास है जो डायमीटर है वो 15 mm का है। हम लोग 7.5 mm का दूरी लेकर के एक सर्किल ड्रा कर देंगे, एक वृत्त बना देंगे। तो ये जो इमेज बन के आएगा ये हमारा फ्रंट व्यू होगा। तो हमारा फ्रंट व्यू पूरी तरह से बन चुका है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, ये केवल समझने के लिए है। अभी हम बनाएंगे, फिर देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे टॉप व्यू की। टॉप व्यू में जो हम लोग ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, जो सर्फेस दिखाई देगी उसी को बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, जितनी लाइनें हैचिंग की गई, जो सरफेस हैचिंग की गई है, ये हमको टॉप से दिखाई देगा, और ये ऊपर वाला भी टॉप से दिखाई देगा। तो हम लोग जो है इसे
बनाते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोगों ने ये बना रखा था, तो हम लोग क्या करें, हम लोग जब देखेंगे टॉप से तो हमको ये लाइन दिखाई देगी, और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये भी लाइन और ये लाइन और ये लाइन दिखाई देगी। तो ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, हम इसी को डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है उसको बना लेते हैं। सबसे पहले इसको बनाते हैं, ये कितना है 12 mm का, हमने 12 mm की लाइन खींची। उसके बाद ये 15 mm का, हमने 15 mm की लाइन खींची। उसके बाद ये भी 12 mm का, हमने इसको भी 12 mm खींचा। फिर से ये भी 15 होगा, इसको 15 खींचा, और ये 12 होगा, इसको 12 खींचा, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 42 है, हम इसे 42 खींच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 42 हो गया, ये टोटल 50 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 50 है, और यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ तक की दूरी 42 है, हमने यहाँ तक 42 खींचा। इसके बाद से देखिए ये वाली लाइन अब बन रही है, इसलिए ये लाइन को हम लाइन आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से फिर वापस लाएंगे 42 पे, या फिर यहाँ से 42 बढ़ा करके इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो हमारा नीचे वाला जो सरफेस है, ये सरफेस हमारा पूरी तरह से यहाँ पे बन गया है। अब ऊपर वाले सरफेस को देखते हैं, जिसकी लंबाई ये लाइन और ये लाइन ओवरलैप करेगी, मतलब दोनों की लंबाई एकदम बराबर है और एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, तो ओवरलैप करेगी, मतलब यही लाइन ऊपर वाली लाइन भी होगी। इसकी मोटाई 8 mm है, हमने 8 mm मोटाई लिया और फिर से इसको यहाँ तक बढ़ाया, यहाँ से यहाँ तक मिला के और फिर इसको यहाँ मिला लिया, ठीक है। अब ऊपर वाला सरफेस ही बन गया, लेकिन हमने एक बार पहले जानते हैं कि इसके अंदर एक होल है, जो कि अगर ऊपर वाली दीवार ना होती तो होल दिखाई देता। जब अभी अंडर कट होता है तो उसका डॉटेड आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है उसको लेकर के अन डॉटेड बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर होल है, अंडर कट है। तो हम इसका जो डायमीटर हैगा उसका प्रोजेक्शन लेकर के इसका सेंटर से 7.5 इधर और 7.5 इधर जा करके डॉटेड लाइन खींचेंगे, और इसको सेंटर को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो बन के आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। अब हम लोग बात करते हैं फाइनली साइड व्यू की। साइड व्यू जैसा कि हम देख रहे हैं, जब साइड से देखेंगे तो जो सरफेस हमें दिखाई देगा उसको उसी डायमेंशन में हम लोग बना लेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो सरफेस साइजिंग किया गया है यही हमारा साइड व्यू से दिखाई देगा। साइड से देखने पर ये वाली सरफेस दिखाई देगी, और अगर ये ना होता, इधर का सरफेस ना होता, तो ये भी दिखाई देता, मतलब कि ये डॉटेड आने वाला है, अंडर कट है, यहाँ अंडर कट है और एक अंडर कट है यहाँ पर, मतलब कि इसमें दो डॉटेड लाइनें आने वाली हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसे जो है बनाएंगे, तो ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 50 खींच लिया, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक 40 खींच लिया, और इसकी चौड़ाई जो विथ जो है 8 mm है, तो 8 mm खींचा, और फिर वापस आएंगे 32, यहाँ से वापस आएंगे 32 है तो 32 लेंगे, और फिर यहाँ पर ला करके आपस में मिला देंगे, 8 mm में भी है, ठीक है, मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। बट यहाँ से अंदर जाने पर 50 mm पर एक कट है, जो कि ये लाइन ये सरफेस भी दिखाई देता है, इसे ढक जा रहा है, उससे दिखाई दे रहा है। हम लोग 15 mm अंदर आकर के एक डॉटेड लाइन या फिर डैश लाइन बनाएंगे, ठीक है। आगे फिर देखिए, जिस प्रकार से ऊपर देखे जो होल है उसका भी डॉटेड लाइन आएगा, तो हम लोग प्रोजेक्शन लेकर के इसको भी डॉटेड लाइन बनाएंगे और इसके सेंटर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल इस तरीके से ये बन के आने वाला है। आइए बनाना सीखते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन को आप बनाते हैं, ड्रा करते हैं, ड्रा करते हुए सीखते हैं कि किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व होगा। सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ बना रखा है कि ये सबसे पहले टॉप व्यू बनाएंगे, उसके नीचे फ्रंट व्यू और फिर इधर साइड व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू से हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बिना टाइम को लॉस के फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले हैचिंग कर लेते हैं ताकि जो हमें बनाने में बहुत आसानी रहे, लेकिन एग्जाम में जब आप एक्सटर्नल एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पेपर पर कोई भी मार्किंग या फिर लाइनिंग नहीं करनी होती है, तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये हैचिंग वाला काम जो है ना करना पड़े, ओके, ताकि आप देख कर ही बना सकें, अपनी आदत अच्छे से बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम में लगने वाला है, ठीक है। हम इसे बनाने सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे कन्फ्यूजन थे बच्चे कि सबसे पहले टॉप व्यू बनाएं या फिर फ्रंट व्यू बनाएं। तो जो है, अगर आप फ्रंट व्यू बनाते हैं तो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, अगर टॉप व्यू बनाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा मिस्टेक हो जाए। तो आइए हम लोग भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू बनाना, ताकि जो है गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहे। तो फ्रंट व्यू में हम जानते हैं सबसे फ्रंट व्यू ये है, तो हमें फ्रंट से ये कुछ ये वाली सरफेस दिखाई देने वाली है, तो ये सरफेस दिखाई देगी, इसके साथ साथ ये सरफेस भी दिखाई देगी, इसके अलावा ये फ्रंट वाली सरफेस भी हमें दिखाई देगी। ठीक है,
तो हम लोग फ्रंट व्यू सबसे पहले बनाते हैं। फ्रंट में हम देख चुके हैं कि ये सरफेस और ये सरफेस, ये सरफेस दिखाई देगी, तो जल्दी से हम लोग उसको नाप के बनाते हैं। ठीक है, 12 mm की है, हम लोग 12 mm की डायमेंशन लेते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये 12 को तीनों को एक साथ लेते हैं हम, तो 12 जस्ट वन सेकेंड कुछ इस तरह हम आते हैं। बहुत ही छोटी इमेज बनने वाली है, डायमेंशन भी काफ़ी कम है। ये हो गया, ये हो गया, इसकी मोटाई है वो 8 mm है, तो हम लोग 8 mm मेजर करेंगे यहाँ से। ये हो गया 10 8 mm, ये हो गया, इनको आपस में मिला लेंगे क्योंकि तीनों एक ही लाइन में दिखाई देगी। ये हो गया, अब इनको वर्टिकली ऊपर बढ़ा देंगे। ओके, अब देखिए तीनों सरफेस बन के आ गए हैं। अब हमें ऊपर वाली ये सरफेस बनानी है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है 32 है, तो हम लोग यहाँ से 32 मेजर करके लाइन को खींच देंगे। ठीक, इन्हें आपस में मिला लेंगे। ओके, ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया है, बस उसमें सर्किल ड्रा करना रह गया है। सर्किल ड्रा करने के लिए हमें पता है कि उसके मिड पॉइंट से जो है, हमें इसके मिड पॉइंट से हमें 14 mm नीचे आना है, जैसा कि इमेज में ऑलरेडी बता रखा है कि 14 mm नीचे आना है, और इधर से कुछ 18 mm, जैसा कि टॉप से 40 mm नीचे और इस साइड से 18 mm पे हमें आना है। इसका सेंटर में मिल चुका है, इसका सेंटर यहाँ पर है, और हम लोग क्या करेंगे, 7.5 का डायमेंशन लेकर के हम लोग एक सर्किल बनाएंगे। मैं डायमेंशन ले लिया है और यहाँ से एक एक सर्किल ड्रा कर देंगे। आपके पास इंजीनियरिंग कंपास होगा तो आप इंजीनियरिंग कंपास इजीली ड्रा कर सकते हैं। देखिए ये सर्किल हमारा बन चुका है, इंजीनियरिंग कंपास से बनाएंगे तो छोटे सर्किल बड़े ही आराम से बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, इसी का प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन हम हल्के पेंसिल का यूज़ करते हुए लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम पेंसिल हल्का यूज़ करेंगे तो कैमरे में नज़र नहीं आएगा, आपको वीडियो में स्पष्ट नहीं होगा, इस वजह से हम थोड़ा डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग 4S पेंसिल या फिर 2S पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रोजेक्शन ले लिए, और जो भी हमारे पास पॉइंट है सारे का प्रोजेक्शन लेंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये हो गया, इसके सेंटर को भी आगे बढ़ा लेंगे हम, ताकि काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इससे। ओके, अब देखिए, अब हम ऊपर बनाएंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू हमें क्या दिखाई देगा, ये सरफेस और ऊपर वाली सरफेस दिखाई देगी, तो हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे के सरफेस को आपस में मिला लेते हैं, ताकि अब डायमेंशन मेजर करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, सॉरी मिस्टेक होगी, पहले हम जाना नहीं था, ये क्वेश्चन को समझना था, ये बीच में कुछ नहीं होगा, इसे हमको मिटाना पड़ रहा है। लाइन काफ़ी डार्क हो चुकी है। ओके, अब देखते हैं हमें यहाँ से ऊपर जाना है कितना, टोटल 50 है, यहाँ से 42 mm ऊपर जाना है, 42 mm ऊपर आ गए, ये हो गया। अब यहाँ से 15 mm अंदर जाना है इस वाले पॉइंट से,
एमएम अंदर जाना है, 15 एमएम हो गए, और यहाँ से 12 एमएम। जब आप प्रोजेक्शन एकदम सीधा लाएंगे तो आपको ये मेजर करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ से ये 15 एमएम, यहाँ से फिर से 12 एमएम जो कि ऑलरेडी है, यहाँ से फिर 42 एमएम ऊपर जाएंगे, ऐसे आपस में मिला देंगे। ओके, ये हो गया। अब हमारा ये सरफेस बन चुका है टॉप व्यू का। अब हमें ये बनाना है जिसकी मोटाई 8 है और लंबाई इसी के लंबाई के बराबर है, तो बहुत ईजी आता है। हमें कुछ अप नहीं करना है, 8 एमएम और ऊपर जाना है, इस साइड से भी 8 एमएम, और इन्हें आपस में मिला लेना है। ओके, जो प्रोजेक्शन लाइन आई हुई है सॉरी इस वाले सर्किल की, उन्हें हम लोग डॉटेड कर देंगे, डैश डैश दिखा देंगे, क्योंकि वहाँ पे नीचे अंडर कट है, सर्किल जो है इसके अंदर बना हुआ है, और इसे सेंटर लाइन को भी शो कर देंगे सेंटर लाइन के सिंबल के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसके सारे पॉइंटों को प्रोजेक्ट करना है इस लाइन तक। ओके, आप जब एम डी का यूज़ करेंगे तो मिस्टेक होने के चांस जो है बहुत कम रहेंगे। हम स्केल से बना रहे हैं तो 1 एमएम, 1.5 एमएम या फिर 0.5 एमएम का मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप जब एम डी का यूज़ करेंगे तो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को यहाँ पर कंपास का यूज़ करके या फिर 45 का एंगल आप यूज़ करके आप इस वाले डिस्टेंस को यहाँ पर ले आएंगे। हमारे कंपास में गाढ़ी पेंसिल लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपसरा की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है, लेकिन आप ये यूज़ नहीं करेंगे, आप हल्की पेंसिल यूज़ करेंगे, लाइट पेंसिल, क्योंकि इससे बस गाढ़ी वही रखी जाती है जो कि हमारी ऑब्जेक्ट लाइन होगी, जो कि हमारा आंसर होगा उसी को गाढ़ा रखना है, बाकी किसी को गाढ़ा नहीं रखना है। बाकी के लिए 2S या फिर 4S पेंसिल का यूज़ करना है। अब इस लाइन को वर्टिकली नीचे ले आएंगे, और इसे भी आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली बढ़ाएंगे, तो इसी के हेल्प से हमें सपना साइड व्यू आराम से मिल जाएगा। हम इसे सेंटर को भी आगे बढ़ा देते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर को भी आगे बढ़ाते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा साइड व्यू है, साइड व्यू में हमें ये दिखाई देगा, ये साइड दिखाई देगी, इसके अलावा ये भी साइड दिखाई देगा, दिखाई देता अगर ये सामने वाला ना होता, इसका मतलब ये वाली लाइन जो है इसमें डॉट आने वाली है और इसका सर्किल इसमें डॉट आने वाला है। तो आइए फटाफट बना देते हैं। जब साइड व्यू से सारे प्रोजेक्शन लाइन आपस में आके मिल जाती है तो साइड व्यू बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। हमें कुछ करना नहीं है, कोई मेजरमेंट लेना नहीं है, क्योंकि हमको सब मेजरमेंट मिल चुका है ऑलरेडी, बस हमें लाइन को डार्क कर देना है। ये हो गया, और ये हमारा डार्क डॉटेड आने वाला है क्योंकि ये अंडर कट है, और यहाँ पर जो सर्किल का है ये हमारा डॉटेड आएगा। अब बीच के सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे,
से ये हमारा जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा हो गया। अब इसमें काम क्या करना बाकी रह गया है, इसमें जो है आप यहाँ शो करेंगे कि यह हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और इसके साथ साथ ही यहाँ पे आप लिख देंगे कि हमारा ड्रा जो हुआ है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी बाकी है वो है डायमेंशन शो करना। तो हम लोग ड्राइंग बनाने के साथ साथ इसमें जो है भरपूर मात्रा में डायमेंशन शो करेंगे। इसका क्या मतलब है, मतलब कि ये जितनी हो सकता है उतनी ही डायमेंशन को शो करेंगे। एक ही डायमेंशन को बार बार शो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी डायमेंशन को हमने यहाँ शो कर दिया है इसके विथ को, तो यहाँ पर भी 12 mm नीचे वाले में भी शो करने की आवश्यकता नहीं है, कि एक डायमेंशन को केवल एक बार ही शो करनी है। ठीक है, डायमेंशन को शो करने का तरीका आप जानते हैं, बस इसे एक्सटेंशन लाइन खींचनी है। एक्सटेंशन लाइन खींचने के बाद से इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो लिख देना है और इधर एरो बना देना है। यही तरीका है सारे सबके लिए डायमेंशन शो करने का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप जो है इसे एक से दो बार जरूर अपने ड्राइंग शीट पर बनाइए। अब बना करके खुद देखिए कि आपकी ड्राइंग कैसी बनी हुई है। कम से कम एक से दो बार जरूर बनाइए, तभी आप ड्राइंग सीख पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। कल वीडियो देखने से या कल पढ़ाई करने से नहीं होगा, इसे बनाना ही पड़ेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, थैंक यू।